नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां प्रदेश सरकार ने केंद्र के उस फैसले को किसानों के साथ मजाक बताया है जिसमें केंद्र ने खरीफ फसलों की एमएसपी को बढ़ाने के लिए ऐलान किया है। हालांकि जिस वक्त एमएसपी पर वार पलटवार चल रहा था, उसी वक्त छत्तीसगढ़ में कई जगहों से खुले में रखे हजारों क्विंटल धान की बारिश में भीगने की तस्वीरें सामने आ रही थी। मतलब किसानों पर किचकिच तो खूब होती है, लेकिन दिल्ली से लेकर रायपुर तक लोग खेती और किसानी को लेकर कितने संजीदा हैं, इस पर सवालिया निशान है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धान सहित खरीफ की कई फसलों के एमएसपी को बढ़ाए जाने का ऐलान किया, तो गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और केंद्र के एमएसपी को ऊंट के मुंह में जीरा बताया। किसानों के ऊपर कोरोना का वार, महंगाई की मार और मोदी जी की सरकार का बर्बर व्यवहार, यही इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमको देखने को मिला। अब रविंद्र चौबे के इस बयान पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी बताएंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से आई ये तस्वीर देखिए। देखिए कैसे हजारों क्विंटल धान बारिश की भेंट चढ़ रहा है। ये तस्वीर ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या खेती और किसानी को लेकर सरकारें वाकई में गंभीर हैं या फिर इसे महज सियासी हथकंडा बना लिया गया है। बहरहाल अब एमएसपी पर छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी ने क्या कहा, ये सुनिए। आज 78 रुपए के ऊपर जो बढ़ करके एमएसपी आएगी, कहीं ना कहीं जा करके छत्तीसगढ़ के किसान के खाते में आज इसकी वृद्धि होगी। सरकार कहती है, छत्तीसगढ़ सरकार क्या दे रही है, अलग से घोषणा करे छत्तीसगढ़ सरकार, जो पहले घोषणा कर चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि राज्य में सरकार बनने के उपरांत तत्काल उनको जो 2 साल का बोनस बाकी हम देंगे। 2500 रुपये आप समर्थन मूल्य की बातचीत करते हो, आप राजीव न्याय योजना के तहत पैसा, अरे इस साल का जो धान खरीदा लोगों को उसका ही पैसा अभी तक नहीं मिला। तो कुल मिलाकर केंद्र और राज्य दोनों ही सवालों के घेरे में है। सवाल केंद्र से भी है कि क्या महंगाई के इस दौर में एमएसपी किसानों के खून पसीने की मेहनत का सही फल है। सवाल छत्तीसगढ़ सरकार से भी कि क्या उनके प्रदेश में किसान पूरी तरह से खुशहाल हैं, उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शुरू से ही किसान और धान हमेशा रहे हैं। अब एमएसपी बढ़ने के बाद फिर से सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ राज्य सरकार ये आरोप लगा रही कि जो एमएसपी बढ़ाई गई है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2 साल के बोनस का वादा करने वाली कांग्रेस सरकार और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किश्तों में पैसा देने वाली सरकार किसानों के बारे में बात ना ही करे तो बेहतर है। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्य में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो टकराव है वो देखा जाता रहता है राज्य के तौर पे, और राजनीति साधने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की जाती है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जयंत वर्मा रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, मेरे साथ गौरीशंकर श्रीवास रहेंगे बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही विकास तिवारी रहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। गौरीशंकर श्रीवास बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, केंद्र सरकार ने एमएसपी को बढ़ाया है और आपकी तरफ से कहा गया है कि बेहतर तरीके से काम करिए, बेहतर तरीके से किसानों को फायदा मिलेगा। बताइए कितना एमएसपी बढ़ाया गया है, कितना फायदा किसानों को मिलेगा? निसंदेह लागत मूल्य आयोग जो दर तय करती है वो पूरे देश को देख कर तय करती है, और इस बात को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर धान की खेती ज्यादा होती है। तो जो दर बढ़ाया गया है ये C2 फॉर्मूला के तहत बढ़ाया गया है और 72 रुपए की वृद्धि इस बार हुई। हमारा साफ साफ कहना है कि दलहन तिलहन पर जिस प्रकार से वृद्धि हुई, 300 से लेकर 400 तक ज्यादा मूल्य की वृद्धि हुई, उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? और धान पे जिन लोगों ने 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, वो इस बात को क्यों नहीं कहते हैं कि जो 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 200 से ज्यादा रुपए की जो मूल्य वृद्धि की उसको जोड़कर 2700 रुपए की राशि प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं दी जाती? 2500 रुपए दे नहीं पा रहे हैं और तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को इन लोगों ने टोकरी में फेंक कर रखा था, इन्हीं की यूपीए की सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया था,
कब इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को माना, इस बात को बता दे। और जिस तरीके से पूरे देश में दलहन तिलहन ज्वार बाजरा सभी के मूल्यों में आप देखेंगे तो इतनी वृद्धि कभी किसी सरकार ने आज तक नहीं की थी, जिसको यहाँ पर केंद्र बैठे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमने लगभग 7 साल में 650 रुपए की धान में मूल्य वृद्धि की है और निसंदेह किसानों की जो आय दुगनी होगी ये उस पर एक माइलस्टोन साबित होगा। सर 2022 तक के लिए वादा किया था 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आपको लग रहा है कि हो जाएगी, इतना आसान है? देखिए 7 साल में जो 650 रुपए की मूल्य वृद्धि हुई है धान में, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात, तमाम प्रकार की जो रियायतें और जो सरकारी योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है, देश के किसानों को मिल रहा है, सीधा सीधा किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का देख लीजिए, ताकि तमाम प्रकार के जो और जितने भी हमारी योजनाएं, इसका लाभ सीधा प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बल्कि पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि का डाटा यह सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? यह बंगाल की सरकार के तर्ज पर डाटा देने में आनाकानी क्यों करती है? किसके पेट का पानी हिलता है? केंद्र की सरकार पैसा दे रही है, किस प्रकार से प्रदेश के 36 लाख किसान है, कितने लाख किसानों का डाटा इन्होंने दिया, इस बात को आपके चैनल में मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, विकास तिवारी के पास आएंगे। विकास तिवारी साहब, सुना होगा आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही आपने कहा है कि जो ऊंट के मुंह में जीरा आप बता रहे हैं, लेकिन जो वादे आपने किए थे चुनावी दौर में कितने कामयाब हुए हैं वो तो आपके विपक्षी बोल रहे हैं। देखिए मोदी सरकार के लिए तो किसान यही कर रहे हैं कि कितने भी तुकर ले सकते, हंस हंस के सहेंगे हम। आज भारत देश के अंदर में पूरे देश के किसान मोदी सरकार के काले कानून, बहुत हल्की आवाज आ रही है, मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ आज पूरे देश में आवाज उठ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि मोदी सरकार किसान हित की सरकार है, 72 रुपया बढ़ाकर इन्होंने परोपकार का काम किया। अब देखिए मोदी सरकार ने जो धान में, चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य धान उत्पादक राज्यों के प्रथम श्रेणी में आता है, 72 रुपए के हिसाब से अगर 1 एकड़ में 15 क्विंटल का उत्पादन होगा तो मोदी सरकार ने 1,080 रुपया बढ़ाया, यह मान लिए। लेकिन डीजल के रेट में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, 1,200 रुपया सर पेट्रोल डीजल पर नहीं जा रहे हैं सर, हम तो सिर्फ किसानों को लेकर जो आपने बात कही थी, जो वादे किए थे उस पर स्पष्टीकरण मांग रहे थे। अगर आप बोलेंगे तो फिर मेरा आवश्यकता नहीं बोलने का, आप जितना भाजपा के मित्र को समय दे रहे हैं। नहीं नहीं सर, पेट्रोल डीजल पर नहीं जाना चाह रहा ना, मैं जानना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार क्या कर रही है। आपने तो बता दिया कि एमएसपी ऊंट के मुंह में जीरा है। सर 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 जी सर सर सुन लीजिए, आप अगर मेरी बात पूरी सुन लेते तो आपको समझ में आता कि मैं पेट्रोल डीजल की बात क्यों कर रहा हूँ। किसान पेट्रोल डीजल का ट्रैक्टर में डीजल ही तो डालेगा सर, पानी डाल के तो नहीं चलाएगा। डीजल का जिस प्रकार रेट आज छत्तीसगढ़ में 93-94 रुपए चल रहा है, उसको अगर आप जोड़ लें तो उसकी कॉस्टिंग आती है, प्रतिदिन किसान 10 घंटे ट्रैक्टर चलाता है और उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही है 1,200 रुपया। मतलब मोदी सरकार ने बढ़ाया 1,080 रुपया, डीजल का रेट आ रहा है 1,200 रुपया, तो भी किसान 180 रुपए के नुकसान में है। तब मेरे भाजपा के मित्र ने जो कहा कि हमने तो बहुत सारा मूल्य बढ़ाया है और इनको 2 साल का बोनस देना चाहिए, इनके पाप है, इनको देना चाहिए था तो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा और कहा है तो जरूर देंगे। जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे 2100 रुपए धान समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस, मतलब 2400 रुपया, और अभी धान का मूल्य मोदी सरकार ने कितना किया है, 1900 रुपए के आसपास। मतलब जो भाजपा के मुख्यमंत्री रहते रमन सिंह जी ने जो झूठा वादा किया था उसको भी मोदी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। अब ये अपनी पीठ थप थपा रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, कैसे दुगनी होगी भाई साहब, ये आप राष्ट्रीय चैनल में बताएं। अब देखिए किसानों के साथ जो हास्यपद बात मोदी सरकार कर रही है कि जो एमएसपी लगातार कम करने का काम और महंगाई बढ़ाने का काम, देखिए पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रहा है, रख रखाव की कॉस्टिंग बढ़ रही है, और उस अनुपात में केवल 72 रुपया, ये तो उनके मुंह में जीरा नहीं है तो क्या है। अब भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि रमन सिंह जो 2400 रुपए का वादा किए थे उसे ही अगर मोदी सरकार लागू करती तो आज किसानों की हालत खस्ता नहीं होती। 3 काले कानून के खिलाफ आज भी देश में आंदोलन रद्द है किसान, और उसके बावजूद मोदी सरकार का झूठ के ऊपर झूठ कि हम किसानों की आय दुगनी हो करेंगे, निश्चित तौर पर दुगनी हो रही, किनके हो रही है, इनके उद्योगपति मित्रों की आय दुगनी हो रही है। आज किसान की हालत
बद से बदतर होती जा रही है। अब स्वामीनाथन कमेटी आयोग ने क्या कहा था कि धान का जो मूल्य है, पैडी का जो क्राफ्ट है, वो 2510 रुपए होना चाहिए था। छत्तीसगढ़ राज्य में अभी पिछले साल जो भाजपा के मित्र है वो खुद किसान है, उनका कितना पैसा रुपए 2500 में, वो राष्ट्रीय चैनल में बताएं। और मोदी सरकार जो लगातार 30,000 करोड़ का राजस्व प्रदेश का रोक के रखी है, लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है, उसके बावजूद किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों को पैसा दे रहे हैं, आगे भी देंगे। अभी आप डीएपी जो खाद का मूल्य लगातार बढ़ाया जा रहा है, मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में बताना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ राज्य में 2,42,000 मेट्रिक टन की डिमांड है डीएपी खाद की, और मोदी सरकार ने कितना दिया, 1,40,000 टन। अब इसको सौतेला व्यवहार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, कांग्रेस की सरकार अन्य प्रदेशों में और भी जो अन्य राज्यों में सरकार उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है मोदी सरकार। ठीक है, जयंत वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपने सुना होगा कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, बीजेपी के प्रवक्ता को भी, उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से जो एमएसपी दर में इजाफा किया गया उसको गिनाया, उसकी खूबियों को गिनाया। लेकिन हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहां पर कृषि एक बड़े पैमाने पर होती है, क्या जो लेवल तमाम देश को ख्याल में रखते हुए बनाया गया है एमएसपी का, जो बढ़ोतरी की गई है, क्या वो वाजिब है छत्तीसगढ़ के लिए? जयंत वर्मा सुन पा रहे हैं सर? हेलो, हाँ सर, आपसे समझने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से केंद्र ने एमएसपी को बढ़ाया है, राज्य की सरकार ने तो कह दिया कि ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन ये बात भी हमें समझनी होगी, जो पूरे देश को ख्याल में रखते हुए एमएसपी की दर को बढ़ाया गया है वो छत्तीसगढ़ के लिहाज से कितनी सही है? जयंत वर्मा साहब को शायद आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है। गौरीशंकर श्रीवास साहब के पास चलूंगा। गौरीशंकर साहब, आपने सुना था कांग्रेस के प्रवक्ता, वो सही बात तो कह रहे हैं, इस बात में कोई दो राय तो नहीं है कि पेट्रोल डीजल की कीमत जो लगातार आप बढ़ाते जा रहे हैं, ट्रैक्टर में डीजल डालेंगे तो ही चलेगा, और जाहिर सी बात है जब लागत ज्यादा आएगी तो ये जो मुनाफा है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा होगा ही। देखिए, इस साल लागत मूल्य आयोग ने जो लागत तय किया धान का वो 1,292 रुपए का दर तय किया, उसका 50% जिस हिसाब से निकाला है सीटू फॉर्मूले के तहत, वो 72 रुपए की वृद्धि की गई है। और मैंने जिस बात को आपके चैनल पे सवाल किया था, उस सवाल से कांग्रेस पार्टी के मेरे विद्वान प्रवक्ता बसते नजर आए। मैंने पूछा था कि प्रदेश के 36 लाख किसान हैं जो कर्मवीर किसान हैं, उसमें कितने किसानों को आपने किसान सम्मान निधि का डाटा केंद्र सरकार को भेजा, इसका बात आपके चैनल पर नहीं हुआ। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल की बात अगर कर रहे हैं, राज्य सरकार इतनी किसान हित ऐसी है, स्टेट जीएसटी कर दाम को कम कर दे। अगर सरकार स्टेट जीएसटी के दाम को कम करेगी, निसंदेह पेट्रोल डीजल के दाम का लाभ किसानों को मिलेगा। अरे 2500 रुपए जो बात इन्होंने कहा था उसको तो दे नहीं पा रहे हैं, और आपके चैनल पर सफेद झूठ बोला जा रहा है कि हमने 2400 रुपए कहा था। हमने कभी 2400 रुपए का वादा नहीं किया था, हमने 2100 का वादा किया था, और हमने 2100 रुपए की राशि दी बोनस मिलाकर, तभी हमने 2400 रुपए की घोषणा नहीं की। जितना भी तीनों कार्यकाल देखेंगे, अंतिम कार्यकाल में हमने 2100 रुपए की बात कही थी कि लगभग 2100 रुपए 2050 रुपए की राशि हमने किसानों को दिया। 2400 रुपए की जो बात विकास तिवारी जी कह रहे हैं, उसको थोड़ा सुधार ले। तीसरी बात, आज हम डिबेट कर रहे हैं धान पे। प्रदेश में पिछले साल 3 से 4 लाख मीट्रिक टन धान भीगा, और अभी भी आप जाकर देखिए, मेरे साथ में कैमरामैन भेजिए, और विकास तिवारी जी से भी निवेदन करता हूँ मेरे साथ में चले, प्रदेश में 12 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान भीग चुका है, धान खुले हुआ पड़ा है, धान को सड़ाया जा रहा है, धान को शराब के माफियाओं के हाथ में कौड़ियों में नीलाम करने की तैयारी की जा रही है। तो ये खेती किसानी की बात आपके चैनल पे की जाती है, दूसरी तरफ धान को खुले में रख के सड़ा कर अपने शराब जो व्यापारी है, जो मित्र है, उनको कौड़ियों के नाम में बेचा जाता है। ये दोहरा मापदंड छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। जो सरकार की जिम्मेदारी उसको पहले निभाए। आज मैं स्वयं 3 से 4 धान उपार्जन केंद्र में गया था, एक एक धान केंद्र का नाम बता दूंगा। तो ये बात आपके चैनल में प्रमुखता से कह रहा हूँ कि सरकार यहाँ पर धान और एमएसपी की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो खुले में धान सड़ाया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो रही है, ना जिम्मेदारी यहाँ पर निभाया जा रहा है। इस बात को भी हमको समझने की आवश्यकता है। विकास तिवारी जी, मैं आता हूँ एमएसपी पे। जी, एमएसपी का जो निर्धारण होता है, जो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश है,
उसको कितना कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माना और यूपीए के अपने 10 साल के कार्यकाल में कितना मूल्य वृद्धि किया, इस बात को विकास तिवारी जी बता दे, क्योंकि 2013-14 में लगभग इनकी सरकार के समय 1310 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिलता था। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे आज पिछले 7 साल में जो 650 की राशि का जो बढ़ोतरी हुआ है, ये एक बड़ा माइलस्टोन है किसानों की जीवन शैली सुधारने में, एक सहायक सिद्ध हो रहा है, इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। ठीक है सर, ठीक है, बात हो आपके पास। जयंत वर्मा साहब को लाना चाहूंगा, एक भी बात नहीं हो पाई है। जयंत वर्मा साहब, उम्मीद करता हूँ आवाज आपको सही आ रही होगी। सर आपसे समझना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, जिस तरह से केंद्र ने एमएसपी की दरों को बढ़ाया है, रेटों को बढ़ाया है, उसके बाद से ये मैं जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये जो बढ़ोतरी है वो कितनी सही है। देखिए ऐसा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 5 साल में किसान की आमदनी को दुगना कर देंगे जी। और उसके अनुसार जो महंगाई है उस समय जब उन्होंने कहा था 2016 के करीब में, और उस समय से आज महंगाई लगभग दुगनी हो गई है, तो अब यदि वो आमदनी बढ़ाएंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि वो उसका कोई उपयोगिता है, क्योंकि आज की स्थिति में जो रेट है पूरा बाजार का जो स्थिति, उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आमदनी बढ़ा रहे हैं और जो एमएसपी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इनपुट कॉस्ट बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ है, और ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये उतना तर्कसंगत नहीं है। और यदि सच में किसान की आमदनी दुगनी करनी है तो इसमें जो बढ़ोतरी घोषित की गई है वो उसके अनुसार नहीं है, पर्याप्त। ठीक है, ठीक है, विकास तिवारी साहब के पास आना चाहूँगा। सर आपने पूरी बात अपनी रखी थी और आपने बताया कि किस तरह से ऊँट के मुंह में जीरा, हालांकि काफ़ी हद तक इस बात से सेटिस्फेक्शन, अगर जयंत वर्मा साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी बात को सुना जाए तो किया जा सकता है। अब सवाल आपसे है सर, किसानों की फिक्र इतनी हो रही है तो धान क्यों बर्बाद हो रहा है? लगातार हमने न्यूज स्टेट ने लगातार ऐसी तस्वीरें दिखाई थी कि बर्बादी के कगार पर पहुंचा हुआ है, कितना बर्बाद हो चुका है, ये भी तो किसानों की मेहनत का फल था ना सर। देखिए मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल में भाजपा के मेरे मित्र गौरी श्रीवास का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 15 साल जो रमन सरकार के पाप के भ्रष्टाचार का पोल पट्टी खोला, 15 साल में धान के सुरक्षा के लिए, धान के बचाव के लिए, पैदावार के बचाव के लिए, बोरियों को रखने के लिए रमन राज में 15 साल में कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो सर अभी ढाई साल में आप तो सरकार में आप हैं, आप कर लेते। सर 2 मिनट अगर आप सुन लेते, मैं देख रहा हूं कि आप भाजपा के मित्र को इंटरप्ट नहीं करते, लेकिन मेरे कहा अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। मैं देखिए अगर 15 साल में बहुत ईमानदारी से धान संरक्षण केंद्र बनाए जाते तो दुर्दशा नहीं होती। ढाई साल के कांग्रेस काल में तो 1.25 साल कोरोना महामारी का निकल गया, उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं की जा रही है, इसका मतलब स्पष्ट है। गौरी श्रीवास को धन्यवाद है, उन्होंने रमन सिंह के पाप को राष्ट्रीय चैनल में स्वीकारा। दूसरी बात, अटल जी के समय में धान का मूल्य कितना बढ़ता था? 55 रुपया। जब 10 साल यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी ने प्रति वर्ष 135 रुपया हर साल धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया, और मोदी सरकार में कितना रुपया बढ़ा? मात्र 85 रुपया। अब ये कहते 750 रुपए बढ़ गया, डबल हो गया, और 12 लाख मेट्रिक टन धान सड़ गया। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन सा तराजू लेके घूम रहे हैं, और ये सब आंकड़े भी इनके पास आ गए। भाजपा के नेताओं को आरएसएस की शाखा में सुबेरे झूठ बोलना सिखाया जाता है। सर अब आप बात को कहीं से कहीं ले जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको मैं इंटरप्ट करूंगा तो आप कहेंगे मैं आपको मौका नहीं दे रहा। आप मुझे ये बता दीजिए, सरकार अब आपकी है, अनलॉक की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो किसानों के धान के महफूज रखने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बड़े बड़े शेड निर्माण किए जाएंगे, उसमें कार्य भी चालू हो चुका था, लेकिन लॉकडाउन जो हुआ, कोरोना महामारी की विकट स्थिति आई, उसके कारण इन चीजों में लगाम लगी। अब ये कह रहे हैं कि धान को जानबूझ के सड़ाया जा रहा है, दारू वालों को बेचा जा रहा है, तो 15 साल में ये काम ये भी कर रहे थे। ये अपने 15 साल के आंकड़े बता देना कि कितने लाख मेट्रिक टन धान सड़ा के शराब व्यापारियों को बेचे। सर सर ठीक है, आपने पिछले 15 सालों का जिक्र कर दिया। सर वक्त की कमी है मेरे पास, विकास तिवारी जी वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में एक बात जो मुझे कॉमन अभी दिखाई दे रही है सर, वो ये देखी कि आप
पिछले 15 साल राज्य सरकार के गिना रहे, जो बीजेपी बैठी है वो 70 साल पिछले गिनाती रहती, लेकिन दोनों की जो जवाबदेही है वो बन नहीं पा रही है। सर वक्त की कमी थी सर, माफी चाहूंगा सर, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े विकास तिवारी जो कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रख रहे थे, कोरेशंकर श्रीवास हमारे साथ जुड़े और साथ ही जयंत वर्मा जो की वरिष्ठ पत्रकार थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जरूर सवाल उठाती है, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस चूंकि छत्तीसगढ़ में अब आ चुकी है सरकार में, लिहाजा वो 15 साल को गिनाती है, और जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पिछले 70 सालों का जिक्र करती है, और इसी तरह से वक्त को गुजारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।